नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में बड़ा साइबर हमला। जी हाँ, अमेरिका में बड़ा साइबर हमला, हैकरों ने उड़ाए अहम दस्तावेज। आपको बताते चले, अमेरिका में परमाणु हथियारों के भंडार की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन NNSA और ऊर्जा मंत्रालय DOE के नेटवर्क पर साइबर हमलों की खबरें हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी मानती है कि हमारी सरकारी प्रणालियों में सेंध लगाने में जुटे हैकरों ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया, रूसी संसद क्रेमलिन से जुड़े थे। एजेंसियों ने इसे संघीय सरकार के लिए गंभीर खतरा बताया है। अमेरिकी खुफिया डाटा में सेंध की शुरुआती मार्च से प्रारंभ होने का दावा है। इस बीच नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है उनका प्रशासन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा, और जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हैकिंग पर चुप्पी साधी हुई है। हैकिंग का दायरा परमाणु प्रयोगशालाओं, पेंटागन और वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय नेटवर्क से आगे निकलता पाया गया है। संघीय जांच दल के लिए नुकसान और चोर का आकलन करने की चुनौती है। दावा है कि इस दौरान हैकरों ने बड़ी मात्रा में गोपनीय फाइलें चोरी कर ली है। इस हमले से अमेरिका में करीब 6 संघीय एजेंसी प्रभावित हुई है, जिसमें CIA, FBI, बगृह सुरक्षा शामिल है। ऊर्जा मंत्रालय के मुख्य सूचना अधिकारी रॉकी कैंपियन ने घटना की पुष्टि की है। अब NNAS और CO और DOE ने हैकिंग से जुड़ी सभी जानकारियां अमेरिकी संसद के समिति को भेज दी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि किस तरह से हुई थी हैकिंग, इस पर भी कुछ जानकारियां निकल कर आई है। किस तरह हैकिंग की शुरुआत हुई, इस साल मार्च से शुरू हुई हैकिंग में हैकरों ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ साथ कुछ गलत कोड दिए थे। ये अपडेट्स कारोबार और सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क पर नजर रखने के लिए डाले गए। इन्हें मैलवेयर कहा जाता है। इनकी मदद से हैकरों की सरकारी और कारोबारी नेटवर्क में घुसपैठ आसान हो गई। इसी क्रम में अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी FireEye भी हैक होने की आशंका जताई गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सेंध का शिकार परमाणु एजेंसियां, जी हां, ये भी बताई जा रही है, सेंध की शिकार परमाणु एजेंसियां, अमेरिका की जिन एजेंसियों में सुरक्षा अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियां को रिकॉर्ड किया है, उनमें न्यू मैक्सिको और वाशिंगटन की फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन FERC, जी हां, FERC, सैंडिया राष्ट्रीय प्रयोगशाला न्यू मैक्सिको और लॉन्स अलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला, वाशिंगटन राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन की सुरक्षित परिवहन कार्यालय और रिच लैंड फील्ड कार्यालय शामिल है। ये सभी अमेरिकी परमाणु हथियारों के भंडार को नियंत्रित और उनके सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका में जांच तेज हो गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि हैकर्स अन्य एजेंसियों की तुलना में संघीय ऊर्जा नियामक आयोग को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इस एजेंसी के नेटवर्क में उन्हें सबसे ज्यादा घुसपैठ के सबूत मिले हैं। इस मामले में साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी हैकिंग गतिविधियों से जुड़ी जांच में अमेरिकी संघीय सेवाओं को मदद कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि अब अमेरिका किस तरह आगे बढ़ता है और इन हैकरों पर अपनी लगाम लगाता है या हैकरों को पकड़ने में कामयाब होता है। ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, हम नजर बनाए रखेंगे इस तरह के खबरें पर। तो दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज।